इंदौर में रेप के बाद मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या करने वाले को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 महीने की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को इंदौर जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इंदौर में ये पहला मामला है जिसमें महज 22 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। आप संतोष हूँ और 2-3 दिन में उसको फांसी दे जाए, फांसी का फंदा दे जाए बस। शहर के राजवाड़ा इलाके में 19 अप्रैल की रात आरोपी ने 4 महीने की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के दूसरे ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट के फैसले को समाज के लिए एक उदाहरण बताया है। मन में तकलीफ तो है बेटी के जाने की, लेकिन संतोष जरूर मन में है कि अब ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलने से हतोत्साहित होंगे। इस वारदात को लेकर शहर में जबरदस्त नाराजगी थी, यहाँ तक कि अदालत में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष रखने को तैयार नहीं था। यूपी के कौशाम्बी में एक महिला ने ये कहकर पति का घर छोड़ दिया कि जब घर में शौचालय बन जाए तभी वो ससुराल लौटेगी।